नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। बीजेपी में उदयपुर के वल्लभ नगर और प्रतापगढ़ के धरियावत विधानसभा उपचुनाव में हार पर मंथन जारी है। पार्टी नेतृत्व की ओर से उपचुनाव में लगाए गए 20 स्टार प्रचारकों में से कई बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार में नहीं जाने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पार्टी नेतृत्व के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। प्रचारक का कोई लिस्ट बना देने से कोई वहाँ इतनी जरूरत है कि नहीं है दो विधानसभा में। अगर ये सब लोग जाए तो इनकी मीटिंगें कराते कराते वहाँ के कार्यकर्ताओं का दम निकल जाए। मैं सोचता हूँ एक दो का मीटिंग हो सकती है, दो तीन मीटिंग हो सकती है, पर 20 लोगों की 50 मीटिंगें कराएगा तो खर्चा कौन उठाएगा और कार्यकर्ता क्या उसी को मीटिंगों के उसी में लगा रहे। कटारिया ने कहा कि केवल स्टार प्रचारक की लिस्ट बना देने से कुछ नहीं होता। दो विधानसभाओं में इतने स्टार प्रचारक नेताओं की जरूरत थी भी नहीं, ये देखना चाहिए था। अगर सभी स्टार प्रचारक वहां चले भी जाते तो वहां के कार्यकर्ताओं का इन स्टार प्रचारकों की मीटिंग कराते कराते ही दम निकल जाता। गुलाब चंद कटारिया ने सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि मैं सोचता हूं दो तीन नेताओं की मीटिंग रखी जा सकती थी, क्योंकि ये प्रत्याशी का चुनावी माहौल और वातावरण बनाने के लिए जरूरी होता है। लेकिन 20 स्टार प्रचारक नेताओं की 50 मीटिंग अगर कैंडिडेट करवाएं तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? कार्यकर्ता क्या मीटिंगों में ही उलझा रहेगा? प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सांसद ओम प्रकाश माथुर, दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा, सीपी जोशी, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुजर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक जोगेश्वर गर्ग, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, सुशील कटारा, कनकमल कटारा, नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने दोनों सीटों पर हार के बाद स्वीकार करते हुए कहा कि निश्चित रूप से जो चुनाव परिणाम आया है उससे ये स्पष्ट है कि जनता ने हमारे कैंडिडेट को स्वीकार नहीं किया और ये जनजाहिर है, उसका विश्लेषण होना चाहिए। हम विश्लेषण कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।